नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर ठीक है, आज संकेत थोड़े बेहतर नजर रहे हैं मिहिर। आज मिसाइल छूट गए फिर से नॉर्थ कोरिया की तरफ से, काफी दिनों बाद ये खबर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ज्यादा कमजोर नहीं है। एसजेक्स निफ्टी ठीक है, इंडिकेटिव टिक्स की शुरुआत हो गई है। शुरुआती टिक्स में करीब 34 अंक नीचे है, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। सेटल होते होते हो सकता है हर निशान में आ जाए निफ्टी। हालांकि सेंसेक्स में जो टिक है अर्ली टिक वो सिर्फ 35 अंकों के, थोड़ा स्लो टिक आ रहे हैं। निफ्टी थोड़ा ज्यादा बेहतर ट्रिक के साथ यहाँ पे अभी ट्रेड करता हुआ इंडिकेटर्स में दिख रहा है। आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखना होगा और साथ ही आप डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है 24 घंटे के बाद। तो एक्सपायरी, ये ट्रंप ने जो बयान दिया, प्लस एक ग्लोबल समिट जो चल रहा है, काफी सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट के अंदर अपना प्ले अपना असर दिखा सकते हैं। जी, देखिए ये ऑब्वियसली अपना असर दिखाएंगे, लेकिन ये जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल फायर हुआ है एक तो उस इस बार, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे कोई बहुत बड़ा पैनिक आएगा मार्केट में, अभी तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गिरी है जाके जो जापान की स्पेशल इकोनॉमिक टेरिटरी का रीजन है वहां पर जाकर गिरी है ये मिसाइल, तो जापान विल ऑब्वियसली प्रोटेस्ट। रुपया भी इस समय बिल्कुल फ्लैट ही खुल रहा है, कुछ ज्यादा असर तो रुपए में भी आज देखने को नहीं मिल रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर से फ्लैट है। लेकिन आज पर्टिकुलर शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। एडीएफ फूड जिसके नंबर्स आए थे, मुनाफा करीब करीब 90% बढ़ा था, एक बार वो शेयर देखते हैं वो आज कैसे खुल रहा है। एक एक करके शेयर आपके सामने रखते हुए चलेंगे जो इंडिकेटर टिक्स में हमको कैसे मजबूती दिख रही है। करीब अभी फिलहाल 2% ऊपर है। इसके अलावा स्वराज इंजन, यहां पर ध्यान रखें, ये बायबैक का कैंडिडेट है। 2400 का प्राइस, हरी कह भी रहे थे कि बायबैक नहीं भी होगा तब भी शेयर उनको पसंद है। 3.5% ये शेयर आज इंडिकेटिव में ऊपर आके खुल रहा है। इसके अलावा आप एक और शेयर जिस पे ध्यान रखें वह जस्ट डायल, आज ही एफएनडो बैन से ये शेयर बाहर आया है तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। शुरुआती टिक करीब 1% के हैं। टेक्नो फैब, इसको 281 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला और ये अपने मार्केट कैपिटल से भी ज्यादा है, 16% ऊपर है। और हमने तो आपको खुलते समय पहले ही बताया था कि आज ये शेयर हीरो शेयर साबित होगा, 16% ये शेयर ऊपर है। इसके अलावा एक और शेयर आप ध्यान रखें, उसमें बालाजी टेलीफिल्म्स है, इसमें हो सकता है बैठक हो 29 तारीख को, आने वाले दिनों में 29 तारीख को। ये रेयर एंटरप्राइज यानी कि राकेश झुंझुनवाला की तरफ से बैठक हो सकती है, स्टेक कुछ बाय हो सकता है इसमें, 1-1.5% ये भी फिलहाल ऊपर आके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए आज बाजार खुलने से पहले हमने आपको कुछ स्टॉक्स दिखाए थे, एक बार वो देख लेते हैं फास्ट मनी की कॉल्स कौन सी थी, उसके बाद हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग से मैंने शुरुआत करी, एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाया, मार्केट के अपने मुकाबले 265 का टारगेट प्राइस होगा। जेपी एसोसिएट ने अपने बॉन्ड्स का भुगतान किया, अपफ्रंट पेमेंट किया है, पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, 20 रुपए का टारगेट लेकर खरीदारी करें। पीएनबी हाउसिंग, कल जो ओएफएस बंद हुआ है नॉन डिटेल के लिए, जबरदस्त रिस्पॉन्स था, आज बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, 1380 का टारगेट प्राइस होगा। अपडाउन में कुछ दो बड़े फंड हाउसेज की ओर से खरीदारी हुई है, आज उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रहा तो 135 तक की चाल देखने को मिल सकती है। एलकम लैब बतौर ईपीएस मैंने शामिल किया है, एक तो कैंसर की दवा को एनडीए मंजूरी आई है, उसके साथ साथ मोतीलाल ने इसे अपग्रेड किया है, आज 2066 का टारगेट प्राइस होगा। इसके अलावा कोल इंडिया, यहाँ पे भी मैक्वेरी ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, हो सकता है आज पॉजिटिव चाल देखने को मिले, 285 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एडीएफ फूड के नंबर शानदार आए, 90% मुनाफा बढ़ाया, 305 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। दो ऑटो एंसिलरी प्लेस नंबर्स आने से पहले ऑटो बिक्री के, भारत गियर्स और मैन एंड बेयरिंग, भारत गियर्स में 200 रुपए, मैन एंड बेयरिंग में 95 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और बताओ सुपरिट एक्स्ट्रा माइक्रो डिफेंस स्पेस की कंपनी है, आज 138 का टारगेट प्राइस, 124 का स्टॉप लॉस रखें। डेरिवेटिव एक्सपायरी नजदीक है, पहले दो शेयर्स डेरिवेटिव मार्केट से ही, कैस्ट्रॉल आज का टारगेट है 411, स्टॉप लॉस 398, एमसीएक्स पर बेट लगाते हैं तो 1010 का टारगेट रहेगा, 970 का स्टॉप लॉस। मैग्मा फिनकॉर्प आज के लिए टारगेट है 179, स्टॉप लॉस 171। सोनाटा सॉफ्टवेयर तेज चल रहा है स्टॉक, और स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी प्ले स्ट्रॉन्ग है अभी, 242 से 245 तक का टारगेट रखें आज। कोकुयो कैम्बलिन कल भी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज भी चल सकता है, 140 तक का टारगेट रडार पर रखें, 123 का स्टॉप लॉस। आशापुरा माइनकेम आज खरीदते हैं तो 104 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे लगाएं। आरजीज और टाटा कॉफी दोनों ही स्टॉक पे खरीदारी की सलाह रहेगी, तेजी का सेटअप है और वैसे भी ये जो चाय कॉफी शेयर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं मार्केट को। टाटा कॉफी आज का टारगेट है 180, स्टॉप लॉस 172। श्रेया शिपिंग का लेटर हाफ में तेजी बनी, अब टारगेट 630 तक का रख सकते हैं, 600 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और वरुण बेवरेजेस आईसीआईसी डायरेक्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर चलेगा आज, 530 का टारगेट रहेगा और 500 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इस बीच अभी अभी रॉयटर्स पर एक बयान आया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से, उन्होंने ये दावा किया है कि जो मिसाइल टेस्ट उन्होंने किया था वो सक्सेसफुल हुआ है और वो आगे भी कर सकते हैं, जो तो खैर वो हमेशा ही कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने
जो बयान दिया मिसाइल टेस्ट के बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए, उसमें उन्होंने यूएस कांग्रेस को चेतावनी दी है कि आप जो हमारी पॉलिसीज हैं इसे लेकर आप जो बीच में जो रुकावटें कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं उसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसे हटाना जरूरी है। खैर इस पर तो हमारी नजर रहेगी ही, इस पर अब हमारी नजर जीएस पर भी है। हैदराबाद में हमारे सहयोगी अनीशा है, उनसे बात करते हैं बिकॉज कल एक जिसे कहते हैं काफी अच्छी शुरुआत हुई जीएस की, और यहाँ पर इवांका ट्रंप ने मोदी जी की काफी तारीफ की, मोदी जी ने इवांका ट्रंप की काफी तारीफ की, दोनों ने मिलकर भारत की बहुत तारीफ की, लेकिन आज वहां पर सारे जो सेशंस हैं वो आज से शुरू होने वाले हैं। सो बनीशा ऑल सेट, कौन से की सेशंस हैं जिस पर नजर रहेगी? आज बिल्कुल वुमेन पावर विल बी आउट इन फुल फोर्स। अभी ओपनिंग प्लेनरी सेशन शुरू होने वाला है, वहां इवांका ट्रंप, चंदा कोचर, शेरी ब्लेयर बात करेंगे वुमेन ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की। फिर हमारे पास आज कुछ दूसरे सेशंस भी है, एक द फ्यूचर ऑफ सिनेमा पे है, वहां डॉक्टर सुभाष चंद्र ये पैनल मॉडरेट कर रहे हैं और वो रामचरण तेजा और अदिति राव हैदरी से बात करेंगे। एक सेशन स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप पे है जहां पुलेला गोपीचंद, सानिया मिर्जा और मिताली राज बात करेंगे। स्टार्टअप्स तो यहाँ बहुत हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फंडिंग करने वाले इन्वेस्टर्स भी हैं, तो बहुत सारी आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, इनफॉर्मल नेटवर्किंग सेशंस है, तो एक्टिविटीज बहुत है, स्टोरीज बहुत है और पूरा दिन हम आपको लाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, आज दिन भर हम इस पर नजर रखेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग सेशंस में अलग अलग नुमाइंदे होंगे जो अपनी बात रखेंगे, पूरा टाइम टेबल भी हमने आपके लिए बना दिया कि कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जो आज अपने स्पीकर के तौर पर इस समिट के अंदर अपनी बात रखेंगे। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा करीब 11:15 बजे अपनी बात रखेंगे क्योंकि चेयरमैन है एसएल ग्रुप के। अनिशा शुक्रिया, जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट हो जानकारी तो हमको ज़रूर बताइएगा। ये पूरा एक सेशन आज चल रहेगा जिसमें अलग अलग नुमाइंदे अलग अलग इंडस्ट्री के होंगे। आगे बढ़ते मार्केट की तरफ जरा देखते हैं, एलकेम आप देखिए, आज सुबह सुबह खबर भी आई थी इसको एएनडी की मंजूरी मिली है, एक कैंसर की दवा थी, उससे शेयर करीब 3% ऊपर है। आज जेपी एसोसिएट्स वापस थोड़ा ऊपर आया, हालांकि एक्सपायरी का फ्लेवर भी है, थोड़ा एडजस्टमेंट भी हो रहा है इनके लोन का, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद सामने निकल के आए, ये करीब ऊपर है। कल ग्लेनमार्क आपको पता है कि कल टूटा था, आज थोड़ा ये ओपनिंग टिक सही दिखा रहा है ये शेयर। अब मन्नापुरम थोड़ी देर पहले आपको राकेश जी ने बताया था कि ये शेयर अच्छा चल सकता है, या थोड़ा गैप के साथ खुल रहा है, करीब करीब 4.5% के भी मजबूती हमको दिखा रहा है। ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो आज थोड़ा ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग नोट के साथ खुल रहे हैं, लेकिन मिहिर भले ही एक्सपायरी का वीक है लेकिन एक्चुअली एक्शन जो पूरा है ना स्मॉल कैप और मिड कैप में छुपा हुआ है। हालांकि नेस्ले इस बीच 1% नीचे है, मैगी वाली खबर का थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, कवरेज आई थी ब्रोकरेज की लेकिन मैगी खबर आने के बाद ये शेयर में थोड़ा नुकसान देखने को मिला भी। जी हाँ बिल्कुल, और ये देखिए क्योंकि फिर से एक बार वही खबर है और उनके जो सैंपल्स जिसमें गड़बड़ी पाई गई है जो कि 2016 के हैं वो उसी रीजन से हैं जहां पर पिछली बार भी पाई गई थी। एक बार फार्मा स्टॉक्स पर भी आज नजर रखनी होगी क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि काफ़ी बड़े मात्रा में, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज में दवाइयाँ बनती हैं उसमें काफ़ी बड़े मात्रा में जो दवाइयाँ हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, और ये एक इट इज़ ऑब्वियसली अ कॉज ऑफ कंसर्न, तो इस पर नजर रहेगी दिन भर हमारी। लेकिन समेत संकेत जिस तरह के हैं, निफ्टी बस 6 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 45 पॉइंट ऊपर एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग जो फ्राइडे और मंडे का सेटअप था उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग साइंस थे और उसके चलते हमें यू नो एक या दो दिनों में 10,400 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करना चाहिए था, बट वो हम कर नहीं पा रहे हैं। कंसिस्टेंटली हमें दिख रहा है कि 10,400 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा है और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। कल भी हमने सेकंड हाफ में देखा था ऊपर के लेवल से एक दबाव देखा था और मार्केट में 30-40 पॉइंट का सडन हमने एक करेक्शन देखा था, तो उसके चलते हमें लगता है कि एटलीस्ट ये सीरीज में तो 10,400 ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और जैसे 10,400 के पुट में हमने कल अनवाइंडिंग देखी है तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है जो राइटर्स थे वो वापस थोड़ा नीचे की तरफ अभी खिसक के 10,300-10,200 के आसपास आ गए। तो फिलहाल हमारा यही मानना है 10,400 जब तक कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होता मार्केट में आपको ऊपर के लेवल प्रेशर मिलेगा और एक बार निफ्टी वापस एक रिटेस्ट कर सकता है 10,300 टेस्ट करने के लिए।
ठीक है, एक दो शेयर और देखिए आज उनमें कैसे ट्रेड मिलता है, स्पेशली आरकॉम पे, क्योंकि ये अपने फिर से खबर ही आ रही है कि कुछ रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है अपने टेलीकॉम बिजनेस के साथ और अपने टीवी बिजनेस के साथ। तो रिलायंस कम्युनिकेशन, हालांकि ये एफएनडब्ल्यू बैन में नहीं है, आज आप ट्रेड आपको मिल जाएगा। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, जीनस पावर, कल क्लोज होते होते खबर ही आई थी कि इनको 450 करोड़ रुपए का एक मीटर का ऑर्डर मिल गया है। ये बिल्कुल खबर क्लोजिंग में मिली थी, उस समय थोड़ा एक टिक आया था, लेकिन आज ओपनिंग में ही ये शेयर करीब 3% ऊपर है। जेट एयरवेज पे भी एक न्यूज है, इन्होंने फ्रांस की कंपनी के साथ जो कोड शेयरिंग चल रहा था वो उस पर ये आगे बढ़ गए हैं, ये खबर भी है। तो जेट भी आज करीब 1.5% की मजबूती के साथ खुल रहा है। तो जेट और एक जीनस पावर दोनों जरा आप राकेश चार्ट पे देखिए, ये दोनों शेयर कितना उसके खुलने के बाद तेज होंगे। और देखिए डिम्पी, जीनस पावर तो काफी अच्छा लगता है, इनफैक्ट हमने इन स्तरों के आसपास स्टॉक में बाइंग रिकमेंड करी थी, और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर है, काफी बड़ी रीरेटिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे बाय एंड होल्ड करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग का भी नजरिया है तो भी 74-75 के लक्ष्य के लिए बने रहें। जेट एयरवेज अगेन एक पॉजिटिव स्पेस में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे स्पाइस जेट का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, इंडिगो का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, और जेट एयरवेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एफएनओ के बैन से बाहर आया है। और अधिकतर हम देखते हैं जो स्टॉक एफएनओ के बैन से बाहर आते हैं वहां एक उछाल देखने को मिलता है, यहां पर मुझे लगता है 674-675 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऊपर में। बिल्कुल, खैर ये जेट पर नजर इसलिए भी रखनी होगी क्योंकि बस तो इस पर काफी समय से था, बट ये सिर्फ अगर एक सिंपल कोड शेयरिंग की बात है तो अलग है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बड़ी कोई पार्टनरशिप की बात होती है तो उस पर नजर रखनी होगी। कुछ और काउंटर्स जिस पर आज नजर रखनी चाहिए, एक तो ऑब्वियसली स्वराज इंजिन की हमने बात की थी, वहां पर नजर रखनी चाहिए। चाय के स्टॉक्स आज एक बार फिर से देखने पड़ेंगे। हरी, क्विकली टी स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? सॉरी आई मिस, टी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? टी, या नहीं, इसमें हमारे एक्चुअली दो प्रेफर्ड स्टॉक्स है। एक तो ऑफकोर्स यू नो टाटा टी है, जो कि सिर्फ एक ग्रोअर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मार्केटर भी है, सो आई थिंक दैट इज टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जाना जाता है अभी, तो आई थिंक दैट इज वन बिग पिक फॉर अस। और आई थिंक जहां तक टी ग्रोअर्स का सवाल है, आई थिंक मैक्लॉयड रसेल एक ऐसा कंपनी है जहां पे हमारा नजर बना हुआ, सो ये दो स्टॉक्स पर हम डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, एक बार जस्टाइल का शेयर वापस देखेंगे राकेश आप, ये खुलेगा 2%, एक्सपायरी का शेयर है, कल एक्सपायरी है, कितना तेज हो सकता है? देखिए काफ़ी बढ़िया इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है डिम्पी, स्टॉक को देखें और इस स्टॉक में देखें तो निश्चित स्तरों से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअस बायर रहा है। ट्रेडिंग के नजरिए से डिम्पी मैं मौजूदा स्तरों पे बाय नहीं करूंगा, एक बार ये स्टॉक 536 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करेगा तब ट्रेडिंग के नजरिए से 551 के लक्ष्य के लिए बाय करूंगा। बिल्कुल, चलिए इस बीच बाजार खुलने वाला है, इंडिकेटिव टिक्स में जो संकेत आए उसके मुताबिक तो निफ्टी वही 6 पॉइंट ऊपर रुका था और सेंसेक्स ये करीब 45 पॉइंट ऊपर, लेकिन आज अगर मार्केट टिक जाता है ऊपर और 10,400 को निफ्टी फिर से अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्ले होगा मार्केट में, खासकर एक्सपायरी से एक दिन पहले। लेकिन क्या ये होगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा वक्त आपको मार्केट को देना पड़ेगा। पीएनबी हाउसिंग पर भी नजर रहेगी आज, ये सारे स्टॉक्स देखते हैं कैसे ओपन होते हैं, लेकिन हाँ कम से कम अच्छी चीज ये है कि नॉर्थ कोरियन मिसाइल इस बार किसी भी स्टॉक मार्केट पर नहीं गई, भारतीय बाजार तो छोड़िए किसी भी नहीं, तो बीच में एक दौर आ गया था, पॉजिटिव टेरिटरी में खुला है, 5 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला है और सेंसेक्स 46 पॉइंट ऊपर 33,664 के लेवल पर सेंसेक्स खुला है और निफ्टी 4 पॉइंट ऊपर 10,372 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए। तो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग यहां पर मार्केट की एटलीस्ट निफ्टी की होते हुए, निफ्टी बैंक करीब 30 पॉइंट नीचे है, 25,821 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एकदम फ्लैट शुरुआत मार्केट की 10,375। अब ये जो 10,380 का लेवल है इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर देखना होगा कि ये क्या करता है, लेकिन जो शुरुआती टिक्स है वही फ्लैट जिसकी उम्मीद बनी हुई थी, और कभी कभी इस तरह की फ्लैट ओपनिंग अच्छी भी होती है मार्केट के लिए। निफ्टी के गेनर्स को एक बार देख लेते हैं और जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है इसमें सिप्ला है जो कि 1% ऊपर है इस समय, 617 का लेवल है, कोल इंडिया 0.5% ऊपर है, और कुछ काउंटर्स में हीरो मोटोकॉप ये करीब 0.5% ऊपर 3695 का लेवल है यहाँ पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर मजबूती है, करीब 0.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही बाकी काउंटर्स में LNT ये करीब 0.5% ऊपर 1218 का लेवल यहाँ पर है। स्वराज इंजिन को देख लेते हैं, स्वराज इंजिन बायबैक जो बोर्ड ने अप्रूव किया है वो इनफैक्ट हायर लेवल्स पर है, 20% प्रीमियम पर, काउंटर 1% नीचे, लेकिन ये चला भी था तो लेट्स नॉट फॉरगेट जो मूवमेंट इसने ऑलरेडी देखा हुआ था वो। जेट की हमने बात की बाजार खुलने से पहले, आज यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट होने वाला है, काउंटर करीब 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। इंटरग्लोब इस काउंटर पर
आधे परसेंट की मजबूती है, 1167 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेस्ले को देख लेते हैं, नेस्ले को फिर से एक बार नोटिस मिला है। मैगी के सैंपल्स में फिर से गड़बड़ी पाई गई है, यूपी में 0.25% नीचे नेस्ले है। हालांकि जो जुर्माने की रकम है बहुत ही मामूली है नेस्ले के लिए, लेकिन हाँ काउंटर थोड़ा सा दबाव में इस समय 0.25% नीचे 7447 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग ये करीब आधे परसेंट नीचे है, जो एफएस ओपन होने वाला है यहाँ पर, तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। 1339 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिस पे आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज एक बार वापस आप ध्यान रखें टेक्नो फैब पे, तो 20% के सर्किट ही लगा दिया। ये सुबह सुबह खबर आई थी टेक्नो फैब पे कि इसको ऑर्डर मिला, मार्केट कैप से ज़्यादा का ऑर्डर है। ये सुबह खुलते ही सर्किट लग गया शेयर पे, इस पे आप ध्यान रखें। एक बार मद्रास फर्टिलाइजर भी देखिए, 8% ऊपर है। कल ये भी शेयर सर्किट पे गया था, ये आज भी 8% ऊपर है। इस शेयर पे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक और छोटा शेयर मैं आपको बताता हूँ कैश सेगमेंट से, और मालू पेपर, कल इसमें सर्किट था, आज फिर से 7% ऊपर है। ये कुछ पेपर के स्टॉक के अंदर चर्निंग हो रही है, एक एक करके शेयर आते हैं और ये सब चलते दिखते हैं। इसके अलावा जो शेयर और चले हैं उसमें एक बार आप निटको टाइल्स को भी नोटिस कीजिए, ये शेयर भी करीब 4-4.5% की मजबूती के साथ दिखा रहा है। आरबीएल 4% ऊपर है, ये शेयर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं मूव है। टालब्रोस ऑटो कल का एक स्टार मूवर था, आज थोड़ा सा सुस्त खुला है, लेकिन ये शेयर आज फिर से नोटिस होगा। टालब्रोस आज चलेगा क्या राकेश फिर से? देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है टेलब्रोस का, और नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है, और जिस तरीके से डिम्पी यहाँ रुझान है, ऑलरेडी एक बड़ा रनअप देखने को मिला है, किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली मेरे पास कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है कि ट्रेडिंग के नज़रिए से स्तरों पर बाइंग के लिए रिकमेंड करूँ। बिल्कुल, चलिए कुछ और काउंटर्स को देख लेते हैं जिस पर अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। साथ ही कैश में जहाँ पर बाइंग अच्छी है शुरुआत में, उन स्टॉक्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो जो कैश के गेनर्स हैं जहां पर वॉल्यूम्स के साथ रुझान है, इसमें एक तो मद्रास फर्टिलाइजर है, ये करीब 16% ऊपर है। राणे मद्रास और एक काउंटर है जो कि 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। राणे इंजीनियरिंग और एक काउंटर है जो कि करीब 7.25% ऊपर है। मालू पेपर की बात की थी डिम्पी ने, अभी वो अच्छा चल रहा है। एपेक्स फ्रोजन इस काउंटर पर 5% का फ्रीज है, और ये काउंटर भी ठीक वॉल्यूम्स के साथ चला है। और कुछ काउंटर्स जहां पर रुझान अच्छा है इसमें, आज बटरफ्लाई के काउंटर पर ठीक रुझान है, वीडियोकॉन, जय बालाजी, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि वॉल्यूम्स के साथ कैश में मुंह दिखा रहे हैं। मेरे एक और शेयर है कॉल्टे पाटिल, आज ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स में कवरेज में आ गया था ये शेयर, करीब 3% ये शेयर भी ऊपर है। टाटा कॉफी, थोड़ी देर पहले राकेश ने हमको कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया था कि टाटा कॉफी पे ध्यान रखा जा सकता है, ये शेयर चलेगा, और ये शेयर आज अच्छा चल भी रहा है। टाटा कॉफी ये ऑलमोस्ट दिन के अभी जो टिक आए हैं 180 के लेवल को भी पार कर चुका है, 2.5% ऊपर है। एक शेयर आप और देखिए, आज थोड़ी स्टील की कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी जो स्टील की कंपनीज है वहां पर थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है। आर्किट प्लाई, गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, थंगामलाई, ये कुछ ज्वेलरी के शेयर्स हैं, ये भी आज मार्केट में थोड़ा दम भर रहे हैं। एक बार वरुण बेवरेजेस भी आप दिखा सकते हैं, वरुण बेवरेजेस पे आज एक कवरेज लिस्ट में ये शेयर आया है आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से, 4.5% ऊपर है। ये 4.5% ऊपर हो गया राकेश, अभी वरुण बेवरेजेस में क्या करें? देखिए काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है वरुण बेवरेजेस का, नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है, और मेरे को लगता नहीं है कि अभी इसमें कोई देरी हुई है। कोई बाय करना चाहे तो डेफिनेटली डिम्पी बाय करना चाहिए, मुझे लगता है 20-15 दिन में यहाँ पे ऊपर में 558-560 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस बीच कुछ और बयान आया है डिम्पी नॉर्थ कोरिया की तरफ से, तो एक तो जो पहले उन्होंने कहा था कि हमने सक्सेसफुली फायर किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि उन्होंने फायर किया है, यानी इसकी रेंज जो है वो टिपिकली बाय डेफिनेशन 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की होनी चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर मिसाइल जो उन्होंने फायर की, एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपर्ट्स की वो ये है कि ये 13,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर की रेंज थी इसकी, अमेरिका तक पहुंच जाएगी। तो वही कहा है नॉर्थ कोरिया ने, जो अगला बयान है वो यही है कि हमारा ये जो नया ICBM है जिसे इन्होंने नाम दिया है वॉसंग 15, वो पूरे US मेनलैंड को कवर करता है, और ये अब तक की इनकी सबसे पावरफुल मिसाइल है, सबसे लंबी रेंज वाली भी और सबसे पावरफुल मिसाइल। खैर चलिए, अब वो मिसाइल तो खैर करते रहेंगे टेस्ट, लेकिन जब तक ये हमारे मार्केट पे नहीं घिरती है तब तक गनीमत है, और आज कम से कम ऐसा होता दिख नहीं रहा है। निफ्टी देखिए अब 10,386 पर है। एक बार मिड कैप में देख लेते हैं, अच्छा एक्शन कहीं पर देखने को मिल रहा हो तो, एक तो 8,000 माइल्स, TVS, चक्रा, रेडिंगटन, GETND, ये कुछ काउंटर्स हैं जिसमें रुझान अच्छा है। साथ ही रेलिगेयर और HCL इन्फो सिस्टम्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर रुझान अच्छा है।
आरकॉम की डिम्पी बात कर रहे थे बाजार खुलने से पहले, ये करीब 3% ऊपर है आज। यूनाइटेड ब्रूअरीज और एवेन्यू सुपरमार्ट, इन दोनों पर अच्छा मूव है। बायोकॉन करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और रिलायंस पावर करीब 0.5% ऊपर है। हरी, क्या कहेंगे आप आज जो शुरुआत हुई है उस पर? नहीं, आई थिंक काफी आई वुड से पॉजिटिव रहा, क्योंकि थोड़े कंसर्न्स थे कि जो नॉर्थ कोरिया ने एक और टेस्ट किया, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बट आई डोंट थिंक मार्केट पर कोई इम्पैक्ट हो रहा है। और मीर, जैसे मैंने सुबह भी कहा था ना, इंडियन मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा डेटा पॉइंट रहेगा कि कल जब जीडीपी का डेटा आएगा 30 तारीख को, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट रहेगा। आई थिंक एनीथिंग क्लोजर टू 6.7-6.8 पॉजिटिव रहेगा, आई थिंक 6.2-6.3 की तरह रहा तो मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। तो आई थिंक दैट इज अ बिग ट्रिगर, मुझे नहीं लगता नॉर्थ कोरिया से कोई खास फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बीच कुछ और एफएनडो के शेयर, क्योंकि इसमें आज एक्शन आप देखेंगे, अगर मार्केट ने 10,400 को पार किया उसके ऊपर टिका गया, उसमें जेन इरिगेशन आप जरूर नोटिस कीजिएगा, जस्टाइल नोटिस कीजिएगा, बायकॉन नोटिस कीजिएगा। तीन दिन से तो हम आपको बता ही रहे हैं, यूबीएल ये शेयर भी ध्यान रखने वाला है, गोदरेज कंज्यूमर्स भी ध्यान रखने वाला है, और सरी इंफ्रा में भी ध्यान रखिए। अपने फाइनेंस के कारोबार को लिस्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने डीआरएचपी दाखिल कर दिया है, तो ये सरी इंफ्रा भी करीब 2% ऊपर है। कुछ वादा के शेयर हैं जो शॉर्ट कवरिंग के दम पर आज ऊपर आ सकते हैं। समित, ये सरी इंफ्रा के अंदर कुछ पोजीशन ले क्या, ये 2% ऊपर है, खबर भी है, शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी ड्यू है इसके अंदर? देखिए, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये स्टॉक ओवरऑल एक रेंज में है, और रेंज बाउंड एक्शन में देखें तो ऊपर की तरफ 120 का उसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और लो साइड पर 95 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है, तो रिसेंटली 95 के आसपास से इसने रिकवरी दी हुई, सो ये अभी इसकी जो रेंज है उसके मिड पॉइंट के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं होगी, बट जिन्होंने लिया हुआ है वो बने रह सकते हैं। 112 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन रह पाता है तो उसका जो हायर एंड है अराउंड 120, वो एक बार रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, आज सुबह सुबह रिपोर्ट आई थी सीएससी की, जी एंटरटेनमेंट पे 700 रुपए तक का टारगेट था, आज ये शेयर भी अच्छा चल रहा है, डिस्क्लोजर के साथ ही हम आपको बता रहे हैं 1% ये शेयर फिर से आज ऊपर हो गया, अभी करीब 600 की टेरिटरी में पहुंच चुका है। हेक्सावेयर ये शेयर भी आज अच्छा चल रहा है, आईटी के छोटी छोटी आईटी वाली जो कंपनीज है ये भी आज के नोटिसेबल कंपनीज होंगी, हेक्सावेयर पे करीब 1.5% का उछाल है। राकेश, जरा हेक्सावेयर चेक कीजिए। देखिए डिम्पी, आपने ठीक बोला, हेक्सावेयर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई बाय करना चाहे तो बाय कर सकता है। और एक और स्टॉक जो मुझे एफएनओ स्पेस से अच्छा लग रहा है वो कैस्ट्रॉल है, एकदम फ्लैट है और एक सरप्राइज मूव देने का दमखम रखता है 426-427 के लक्ष्य के लिए, कैस्ट्रॉल को बाय किया जा सकता है 385 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बिल्कुल। इस बीच बायोकॉन में भी तेजी है। समित, आपको और स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे क्या? जब शुरुआत जिस तरह की हुई है, एंड ऑब्वियसली इन लेवल्स पर मार्केट एज लॉन्ग एज इट कंसोलिडेट्स, आपको स्टॉक्स पर ही नजर रखनी होगी। देखिए, एक बजाज फिनसर्व है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड किया है लास्ट वीक, लास्ट 3-4 दिनों से कंसर्ट हो रहा था, बट कल वापस हमने इसमें बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देख रहा है, और आज मॉर्निंग सेशन में भी जो इसका 5,270 के आसपास एक रेजिस्टेंस था वो लेवल ब्रेक हुआ हुआ, तो हमें लगता है कि इसमें ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, वेर इन यू नो नियर टर्म टारगेट 5,5380 से लेकर 5,420 तक रहेंगे, तो बजाज फिनसर्व एक है जो पॉजिटिव बाय से ट्रेड करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो महिंद्रा सीआई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कल हमने लास्ट आवर में इसमें बाइंग आते हुए देखा था, तो ये एक स्टॉक कंसोलिडेशन से अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसमें 270 से लेकर 272 के लेवल आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड थोड़ा समय ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है, एक्चुअली मार्केट एक खुला जिस रेंज में है ना, वहां से एक तो मिसाइल वाला डेंजर है, अब मिहिर बार बार 5-5 मिनट में बता रहे हैं कि एक और बयान आ गया, अब एक सामने एक्सपायरी है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। यूएस जो राकेश कह रहे थे वो बात सही है कि अब क्योंकि अगर वाकई इन्होंने टेस्ट किया है और यूएस इनके दायरे में है तो वो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज अब यूएस सोच समझ के बात करेगा, लेकिन व्हाट आई लाइक इज कॉन्फिडेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। कल भी ये सब जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने जब अपना बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था यूएस विल टेक केयर ऑफ इट, मैम हम देख लेंगे जो भी करेंगे ये, तो खैर वो अच्छा ही है, एंड आई थिंक मार्केट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट की इवेंचुअली इट विल बी टेकन केयर ऑफ, बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि अगर कुछ और मिसएडवेंचर होता है तो बाजार थोड़ा सा इससे विचलित हो सकता है। लेकिन राकेश, आरकॉम पर आज जो मूव है, अब यू नो न्यूज फ्लो जो है बहुत स्ट्रांगली कोशिश की जा रही है कि इसे किसी तरह से इन लेवल्स के आसपास टिकाया जाए मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, बट इसका स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है? न्यूज फ्लो इतना खराब है और इतना वॉलेटाइल है,
ये 10 के नीचे कहां तक जा सकते हैं? देखिए मिहिर, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, जहां मार्केट्स में हम नए हाई की बात करते हैं स्टॉक नए लोज लगा रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी न्यूज आए तो उस न्यूज को यूज करना चाहिए इसमें से निकलने के लिए, बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। और ट्रेजेडी इस चीज की है मिहिर कि काफी जो निवेशक हैं वो इस लो प्राइस स्टॉक को ये सोच के खरीद रहे हैं कि शायद कुछ टर्न अराउंड हो, 2x 3x बन जाएगा स्टॉक। मेरे हिसाब से स्टॉक को में पोटेंशियल नहीं है, रैलीज को यूज करें निकलने के लिए और इसका बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं कैश मार्केट में, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स उपलब्ध हैं, जैसे डिम्पी भी एक स्टॉक सुबह सुबह जिक्र कर रहे थे जहां पर कि एक ऑर्डर मिला था और मार्केट कैप से ज्यादा का ऑर्डर था, स्टॉक सर्किट पे ओपन हुआ है। तो छोटी छोटी कई अच्छी कंपनीज उपलब्ध हैं, वहां पर नजर रखना चाहिए, इनफैक्ट इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर मेरे छोटे स्टॉक्स में जाना है तो कई स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, जैसे अडवानी होटल को आप देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर ये डेट फ्री कंपनी है और ब्लू चिप्स प्रॉपर्टीज है, इसको देखा जा सकता है। सिमको मुझे एक मल्टीबैगर स्टॉक लगता है और इसके अंदर वॉल्यूम्स भी आने शुरू हैं, 90 रुपीज के अराउंड। डिम्पी आप ही के साथ इसी शो पर इस स्टॉक को रिकमेंड करा था, मेरे को लगता है यहाँ पे देखना चाहिए। हमने कैश में GTPL हाथवे भी निचले स्तरों पर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कराया है 200 रुपए के लक्ष्य के लिए, यहाँ पे दाव लगाना चाहिए। आरकॉम को प्योरली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आरकॉम को अवॉइड करके पर्टिकुलर शेयर है जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन हैदराबाद में जो समिट चल रहा है एंटरप्रेन्योर समिट, उसमें आप चंदा कोचर भी अपना बयान रख रही है। जैसे हमने कहा भी था आपको कि आप आज बड़ी बड़ी शख्सियत होंगी जो कि अलग अलग समय पर अपनी अपनी बात रखेंगी। चंदा कोचर अपनी बात रखते हुए साथ ही इवांका ट्रंप भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। यू वर्क्ड प्रायर टू डेल एट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यू हैव बीन विद डेल फॉर द लास्ट 17 इयर्स। एज आई हैव मेंशनड, यू आर द टॉप मोस्ट रैंक्ड वुमन यू नो इन डेल राइट नाउ। हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इज इट इन द यूनाइटेड स्टेट्स और द फर्स्ट वर्ल्ड फॉर अ वुमन टू रीच राइट अप टू द टॉप and to do what you've been doing. The confidence that you have to have in you and your capabilities and what you can do and what you can enable, I think has a huge impact. And I couldn't agree more on when you reach those difficult times and you feel like giving up is when you actually have to stay the course, because as a mother of three, two of which are daughters, it's unbelievable how much of a role model you can be as a successful woman in helping them and their friends and the larger kind of community and being successful. You know, candidly, I'm actually quite optimistic about what is happening now in this area. I think we all agree the numbers are not moving as fast. So, aaj din bhar hamari nazar bhi rahegi is pure hi session par, aur kai sessions in fact hone wale hain. इस पर नजर आएगी हमारी, लेकिन फिलहाल ये जो फ्लैट रुझान मार्केट पर देखने को मिल रहा है ये ब्रेथ में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी हद तक उन स्टॉक्स पर है जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर आप ब्रेथ देखें मार्केट की तो एटलीस्ट इस समय तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़े मूव की तैयारी मार्केट कर रहा है। देखिए पूरा इवनली डिवाइडेड शुरू से ही है मार्केट, बढ़त वाले और नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या लगी नहीं रहा कि एक्सपायरी वाला हफ्ता है, बिल्कुल एक्सपायरी में 24 ही घंटे ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा देखकर। बट एनीवेज चलिए डिम्पी को एक छोटा सा ब्रेक देते हैं फिलहाल, डिम्पी फिर से जुड़ेंगे 10 बजे आपके साथ। लेकिन फिलहाल रजत के पास चलते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग में एक्शन अगर है कहीं पर तो वो कहां पर है, बताइए रजत। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग है, बायस थोड़ा सा पॉजिटिव आप समझ लीजिए निफ्टी और सेंसेक्स पे है जिसके कारण हरे निशान में कामकाज हो रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए यह फिर से लाल निशान में आ चुका है, 12 पॉइंट्स गवा चुके हैं आज ओपनिंग में ही, पर ये सेटअप अभी तेजी का है। ज्यादातर ट्रेडर्स मानते हैं कि तेजी बनेगी तो काउंटर स्पेसिफिक रहना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रोकिंग हाउसेस के रेडार पर जो उनसे स्टॉक्स थे ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं, एल्केम साथ साथ वरुण बेवरेजेस और कोल्टे पाटिल, तीनों ही स्टॉक्स देखिए आज हरे निशान में है। सबसे ज्यादा तेजी कोल्टे पाटिल में बन रही है, 5.5% ऊपर है ये स्टॉक। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग जिसके बारे में आप बार बार बात कर रहे थे, 281 करोड़ का ऑर्डर मिला, मुद्दा यह है कि मार्केट कैप ज्यादा बड़ा ऑर्डर था उसका इंपैक्ट देखने को मिला, 20% अपर फ्रीज पे ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया। नेस्ले सुर्खियों में है क्योंकि मैगी के कुछ सैंपल फेल हुए हैं, ये सैंपल 2015-2016 के कलेक्शन हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 62 लाख का जुर्माना लग गया कंपनी के ऊपर। शुरुआती टिक्स नेगेटिव थे लेकिन रिकवर कर गया, 7500 के लेवल को दोबारा से रिकॉन्कर करता हुआ नेस्ले। इसके अलावा विप्रो आज 11,000 करोड़ का बायबैक खुला है, ज्यादा बदलाव नहीं है कल के प्राइस के मुकाबले लेकिन ये क्वांटम बड़ा है और 11,000 करोड़ का बायबैक करने जा रही है कंपनी। जेट एवेज आज सुर्खियों में है क्योंकि एयर फ्रांस KLM के साथ करार की आज औपचारिक घोषणा कर सकती है, उसका इंपैक्ट है 1.5% की तेजी जेट एवेज पे देखने को मिल रही है।
इसके अलावा नतीजों का असर कुछ स्टॉक्स पर पड़ता हुआ नजर आया, जिसमें एडीएफ फूड्स ये स्टॉक पॉजिटिव है, साथ ही साथ आरपीपी इंफ्रा पे तेजी बनती हुई नजर आई, लेकिन वालचंद नगर टूट गया 3%, बाजार को नतीजे पसंद नहीं आए। राणे ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो आज लाइमलाइट में, और पूरा ही ग्रुप चल रहा है तेजी में है, राणे मद्रास ब्रेक और साथ साथ इंजन वाल्व तीनों स्टॉक्स पे देखिए 2% से 7% की तेजी हो चुकी है। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन जो स्टॉक्स तेज हैं उनमें फिर से छोटी मझौली कंपनियां हैं, शंकरा बिल्डिंग, साथ ही साथ रोसेल इंडिया और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, सब में 5-5% की कमाई शुरुआती टिक्स में। होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ी जो कंपनी है, खासतौर से स्मॉल कैप कंपनियां, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, बाइक हॉस्पिटैलिटी, इसके अलावा ईआईएच एसोसिएट्स, इन स्टॉक्स पे फोकस बढ़ा। आईटी स्टॉक्स हैं जो रेडार पर हैं, लेकिन फिर से वो स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर को बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें हेक्सावेयर, एचसीएल, इनफोर्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। रियल्टी स्टॉक्स में भी स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा तेज हैं आज, डीएस कुलकर्णी, हपटाउन और कोल्टे पाटिल जैसे स्टॉक्स पे तेजी बढ़ती हुई नजर आई। और एफएनओ गेनर्स की सूची दिखाऊं तो रिलायंस कम्युनिकेशन दिखेगा आपको, गोदरेज कंज्यूमर्स और श्री इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में आज तेजी बनती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, चलिए तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया रजत। हमारे साथ अब विवेक भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, आज कुछ खास है नहीं मार्केट में बात करने के लिए। हमने 2-3 बार नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेस्ट की भी बात कर ली, फिर जीएस की भी एक दो बार मार्केट फेड अप हो गया, दे डोंट टेक नॉर्थ कोरिया सीरियसली एनीमोर, मार्केट फेड अप हो गया है। मिस्टर ट्रंप वाज आल्सो वेरी यू नो, मतलब उन्होंने बस ये कहा कि विल टेक केयर ऑफ इट, विच शोज इज एरोगेंस आल्सो, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ठीक है यार, कर दिया तुमने, विल टेक केयर ऑफ इट। तो आपके पास कुछ नया हो तो बताइए। नहीं, ऑनेस्टली जैसे आपने कहा बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन आई थिंक एक जो एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि कल विल बी इम्पोर्टेंट, जो जीडीपी के जो नंबर्स आएंगे, आई थिंक अब नजर वहीं पे ही होगी। बिल्कुल, वो इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है भी कि जो सितंबर का बूस्ट है वो दिखेगा जीडीपी नंबर्स में कहीं ना कहीं, और वो अगर होता है तो आई थिंक एक अच्छा एडिशनल ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, क्योंकि जहां तक जीएसटी कलेक्शन का सवाल है, आई डोंट थिंक मार्केट विल बी वेरी इंप्रेस्ड जो डेटा कल, लेकिन आई थिंक मार्केट आल्सो अब FY19 पे मिहिर ज्यादा फोकस कर रही है, और जो अब जो भी आ रहे हैं 8% ग्रोथ, आई थिंक FY18 अब कोई ज्यादा उस पर ध्यान दे नहीं रहा है। मेरी कल इनफैक्ट एक दो जन जिनसे बात हो रही थी, उनका ये भी कहना था कि अब एटलीस्ट यहां से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट्स गुजरात के आने तक मार्केट थोड़ा हो सकता है इसी तरह से साइडवेज रहे और कंसोलिडेट भी करे इन लेवल्स के आसपास बिफोर मेकिंग दैट नेक्स्ट बिग मूव। लेकिन राकेश, बात तो हो रही थी दिसंबर में 10,500 से लेकर 11,000 के बीच के लेवल की, एंड स्पेशली इफ यू हैव पॉजिटिव आउटकम गुजरात इलेक्शन का, ऐसा लग रहा है चार्ट पर आपको? देखिए मिहिर, बिल्कुल लग रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, आईटी इंडेक्स भी नीचे से एक ब्रेकआउट लेके खड़ा हुआ है, और इनफैक्ट आप देखें तो इस वीकनेस के अंदर भी बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लगता है। निफ्टी में तो मिहिर मुझे लगता है चांसेस अभी भी 10,500 के इस सीरीज के अलाइव हैं, और जिस तरीके का ये मार्केट है आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर निफ्टी 100 पॉइंट नहीं बढ़ सकता है, और काफी पॉजिटिव बायस है। एक बार निफ्टी अगर 10,400 के ऊपर सस्टेन करता है, जिसके चांसेस हैं, तो एक अप मूव मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। ऑलराइट समित, आपसे आखिरी सवाल होगा, एविएशन खासकर आज जेट की तरफ, कुछ समय से जेट में प्राइसिंग हो भी रहा था, ये जो नया करार आज ये करने वाले हैं, लेकिन एविएशन पर आपका व्यू क्या है, खासकर जेट पर, बिकॉज यहां पर और एक चीज भी हो सकती है, सरकार सोच रही है कि जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं एयरलाइंस के उस पर कैप लगाई जाए। कोइंसिडेंटली मीर, विद इन एविएशन स्पेस जेट एयरवेज हमारा हमेशा से एक प्रेफर्ड स्टॉक रहा है। रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली भी देखी है, 460 के लेवल से 700 तक, और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। तो विद अ नियर टर्म व्यू हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन थोड़े और टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा, वेर इन 700-720 का ऊपर की तरफ एक दायरा रहेगा, और लो साइड पे आप देखो तो 640 से लेके 620 का सपोर्ट रहेगा। सो विद अ नियर टर्म व्यू हमें लगता है ये कंसोलिडेशन थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, बट अगर आप स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये हर एक डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में देखनी चाहिए, और हमें लगता है कि कुछ महीनों का अगर हम टाइम होराइजन देखें तो ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 800-805 के लेवल्स के पार किए जाने का। बिल्कुल, चलिए समित, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हरी, आप क्या व्यू देना चाहेंगे एविएशन पर?
नहीं, हमारा थोड़ा कॉशियस है बिकॉज यू नो जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस 64-65 डॉलर्स के आसपास मंडरा रहे हैं और अभी माना जाता है कि इन द लेटेस्ट ओपेक मीट शायद वो जो यू नो इसके सप्लाई कट्स है वो और 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किए जाएंगे. सो आई थिंक प्रेशर ऑन ऑयल प्राइसेस विल बी देयर और जब तक वो रहेगा मुझे लगता है कि एविएशन स्टॉक्स पर प्रेशर बना रहेगा. तो वी आर शॉर्ट टर्म न्यूट्रल एज फार एज एविएशन इज कंसर्न्ड. हरी, इस मार्केट में रिस्क कहां देख रहे हैं आप, अगर एट ऑल देख रहे हैं? See, my only concern is that कल जब GDP के numbers आएंगे, you know, यदि बाहर आके इन्होंने कहा कि because of GST और so and so reasons आपका you know GDP number has gone to below 6%, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा risk है. I only hope that doesn't happen because at the ground level SMEs और exporters पे काफी ज्यादा pressure है. तो यदि ये pressure हमें GDP number पे कल दिखा तो वो मेरे ख्याल से एकमात्र risk हो सकता है market के लिए. खैर वो risk तो है ही, लेकिन आपको लगता है हरी इन लेवल्स के आसपास गुजरात में बीजेपी की कंफर्टेबल विक्ट्री पूरी तरह से प्राइस्ड इन है या फिर थोड़ा सिनेरियो जो है मिक्स्ड फैक्टर इन किया हुआ है मार्केट ने इस समय? ठीक है, यहाँ पे कुछ हद तक जिसे हम कहते हैं ना टीना फैक्टर वो चल रहा है, नो देयर इज नो अल्टरनेटिव. तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ हद तक बहुत स्पेसिफिक कैंडिडेट्स आ रहे हैं बट आई डोंट थिंक किसी कैंडिडेट्स में इतनी क्षमता है कि एग्जिस्टिंग 22 साल की गवर्नमेंट को हिला सके. तो आई डोंट थिंक किसी को उम्मीद भी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट में बदलाव होने वाला है. तो आई थिंक बीजेपी विक्ट्री इन गुजरात ऑलमोस्ट सीम्स टू बी अश्योर्ड. शायद मार्जिन कम हो सकता है बट आई थिंक विक्ट्री सीम, और मैं फिलहाल गुजरात में हूँ तो आई थिंक दैट अपीयर्स टू बी अश्योर्ड एट लीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपका ये मानना है कि इवन अगर जो वोट्स हैं या जो सीट्स हैं थोड़ी कम हो जाएं लेकिन जीतेंगे बीजेपी और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जीत जाएं, इन द सेंस के मार्जिन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट दे शुड विन. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैं यू नो जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, एक बात तो साफ है कि मार्जिन शायद और तरफ प्रेशर पे आ सकता है बट आई थिंक कंफर्टेबल 51% मेजोरिटी तो इनके पास रहेगा. हाँ, खैर कल एक हमारा कॉन्क्लेव भी हुआ था अहमदाबाद में गेम ऑफ गुजरात. yes. और उसमें इनफैक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री भी जुड़े थे हमारे साथ. तो उन्होंने तो बातचीत में ये तक दावा किया कि 150 सीट्स आएंगी बीजेपी की. मुझे ये लगता है कि ये भी प्राइस्ड इन नहीं है मार्केट में. तो वाकई अगर 150 सीट या उस तरह का कोई नंबर आता है मैजिकल, तो फिर ये जो 11,000 का लेवल जिसकी राकेश बात कर रहे थे वो इट विल बी विद इन टचिंग डिस्टेंस. लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, बिटकॉइन ने पहली बार $10,000 का लेवल पार किया है. तो फ्रॉथ की साइंस भले इक्विटी में दिख रही हो नहीं दिख रही हो, लेकिन और जरूर पॉकेट्स है जहां दिख रही है. तो खैर दैट्स कॉज ऑफ कंसर्न. लेकिन अगर वाकई राकेश ये 150 सीट वाला सिनेरियो होता है गुजरात में, अब बीजेपी इस तरह की थंपिंग मेजोरिटी के साथ आती है, तो आई थिंक फिर मार्केट को कोई रोक नहीं पाएगा. नहीं नहीं रोक पाएगा मेयर. मार्केट ने बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने मेंशन करी कि मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करके नहीं चल रहा है कि अगर 150 सीट के करीब आती है और बीजेपी वहां पर जीतती है तो वो चीज मार्केट में डिस्काउंटेड नहीं है. इस समय मार्केट प्लेयर्स जो है मेयर वो इस चीज को कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं कि अगर बीजेपी वहां हारती है तो मार्केट की डाउनसाइड कितनी हो सकती है. और जो आंकलन मैंने करा है मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी. 5-1% से ऊपर की गिरावट मार्केट में नहीं लगती है इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो. और अगर गुड केस सिनेरियो होता है तो एक काफी बड़ा बिग सरप्राइज होगा. और मिहिर सरप्राइज के ऊपर अंदर ही एक बड़ा मूव देखने को मिलता है. और अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है तब क्या कहते हैं, मेरे को लगता है कि एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा. तब 10,850-10,900 एक टचिंग डिस्टेंस पर होगा. शुक्रिया राकेश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. हरी आपका भी शुक्रिया. संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं. संजय मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. अच्छा लग रहा है मार्केट अभी इन लेवल्स पर? धन्यवाद मेयर. मेरे ख्याल से देखिए पिछले 1-1.5 महीने में 3 चीजें हुई हैं बाजार में. एक तो जो सेक्टर्स ने पहल ली है मार्केट को आगे ले जाने में, वो सेक्टर्स ऐसे नहीं हैं जो कि पिछले 6 महीने में बाजार को आगे ले जाने में सामने रहे थे. मुख्यतः जैसे PSU बैंक्स, उनका एक बड़ा योगदान रहा है पिछले 1-1.5 महीने में बाजार को आगे ले जाने में. तो मेरे ख्याल से एक ये फैक्टर है.
और दूसरा फैक्टर अगर आप देखें तो वो रहा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके ट्रेंड का, वो या तो उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ही कम थी या काफी समय तक वो नेगेटिव थे, लेकिन अगर आप नवंबर का आंकड़ा देखें तो उनकी जो नेट बाइंग है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से करीब 4 गुना से ज्यादा है। तो ये एक दूसरा चीज है जो चेंज हो चुका है पिछले 1-1.5 महीने में। तीसरी बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और आपके सवाल का वो मेरे ख्याल से मेन मुद्दा है, वो ये कि जो निफ्टी की सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स आई वो 7 क्वार्टर के बाद डबल डिजिट की अर्निंग्स रही ग्रोथ। तो ये जो मेरे ख्याल से इसको बाजार ने पूरी तरह से अपने लेवल्स में डिस्काउंट नहीं किया है, और ये जो फेज है मैं समझता हूं कि एक कंसोलिडेशन का फेज है, और इसके बाद मुझे लगता है कि जब बाजार इस बात को डिस्काउंट करना शुरू करेगा तो हमें एक दूसरी तेजी की शुरुआत वहां से बनती दिखेगी। संजय गुड मॉर्निंग, विवेक है, ये भी अब देख रहे हैं कि रिस्क जो है बहुत घट रहा है संजय, क्योंकि पहले जैसे था कुछ हफ्ते पहले क्रूड पे लोग चिंतित थे, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे चिंतित थे, अब ये मूडीज के अपग्रेड के बाद और अब जो FY19 के जो आंकड़े आ रहे हैं प्रिटी मच अब FY18 को डिस्काउंट ही कर दिया है बाजार ने, चाहे वो अर्निंग्स हो चाहे वो GDP ग्रोथ हो, 8% FY19 का मान के चल रहे हैं मोस्ट एक्सपर्ट्स, तो कहीं रिस्क भी नहीं दिख रहा और लिक्विडिटी बाय एंड लार्ज इंटैक्ट है, और जैसे आपने कहा अब FIIs का भी पैसा आने लग गया है जो पिछले 3-4 महीने से नहीं आ रहा था, तो एक तरफ कोई एज सच कोई बिग रिस्क नहीं दिख रही और दूसरी तरफ लिक्विडिटी इंटैक्ट है, तो इससे आप मानते हैं कि ये जो 11,000 निफ्टी की बात हो रही है उससे भी आगे बढ़ता ही अब रहेगा अगले महीनों में, करेक्शंस तो होते रहेंगे लेकिन जो ट्रेंड है पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखिए जहां तक रिस्क की बात है, बाजार में चूंकि लिक्विडिटी इतनी बड़ी मात्रा में आ रही है उसने बाजार के डाउनसाइड को काफी हद तक लिमिट कर दिया है, साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टर्स की एपेटाइट देखें फॉर रिस्क तो उनकी रिस्क टॉलरेंस पहले से ज्यादा हो गई। पहले क्या होता था कि बाजार में मान लीजिए अगर 5% की अगर गिरावट होती थी तो एक हाहाकार समझ जाता था, लेकिन अब ट्रेंड ऐसा है कि बाजार में 4% से ज्यादा या 5% से ज्यादा अगर गिरावट होती है तो वो तो हमें दिख नहीं रही है कि पिछले एक साल में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर बाजार ने 5% से ज्यादा करेक्शन दिया है और रिटेल इन्वेस्टर उसके कारण बाजार से भाग गए हैं। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जब भी इस तरह की करेक्शन हो रही है तो रिटेल इन्वेस्टर बाजार में तेजी से और आ रहा है। तो ये दोनों बातें जो रिस्क से संबंधित हैं, एक कि रिस्क की इम्पैक्ट ऑन द मार्केट लेवल्स अब पहले से कम हो गई और दूसरी रिस्क की टॉलरेंस जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या बाजार में आज कोई रिस्क नहीं है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिस्क जो बाजार के सामने है वो है क्रूड के प्राइसेस। ये पूरी जो रैली की शुरुआत हुई थी उसका एक बहुत बड़ा जो कारण था वो था इंटरेस्ट रेट्स का कम होना, और इंटरेस्ट रेट्स इसलिए कम हुए थे क्योंकि इन्फ्लेशन की मात्रा जो है वो कम हो गई थी, क्रूड के प्राइसेस सॉफ्टन हो गए थे। क्रूड की प्राइसेस देखिए कितनी तेजी से करीब $60-65 के रेंज में आ गई है, अगर इसी लेवल पे स्थिर हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लेवल यहां से ज्यादा ऊपर जाती है तो श्योरली इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स पे पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ऑन अ फंडामेंटल बेसिस ये संभव है कि जितनी अर्निंग्स ग्रोथ बाजार को उछाल दे सकती है उतने ही इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना बाजार को ऊपर से दबा सकता है और हम फिर एक रेंज में ही अटक सकते हैं। संजय ये इनफैक्ट अच्छा हुआ आपने क्रूड की बात की। इंटरनेशनली भी अगर हम देखें कुछ हद तक ऐसा मार्केट को देखकर लग रहा है कि एक सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी है मार्केट में। अब देखिए अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो द स्ट्रेस बिटवीन US एंड नॉर्थ कोरिया वो इससे बुरा शायद ही कभी रहा हो, क्योंकि ओपनली नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ये अब तक की हमारी सबसे बेहतरीन मिसाइल है जो हमने फायर की है, इसमें पूरा US कवर होगा, US ने कहा है कि हम तैयार हैं, विल टेक केयर ऑफ इट वगैरह वगैरह, समहाउ मार्केट इज नॉट अफेक्टेड, और वो शायद अब इसका वो प्रमाण चाहता है कि वाकई इनके बीच होगा या फिर ये सिर्फ बोलते जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कई बार आउट ऑफ हैंड जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता और अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है।
मिहिर, आपकी बात बिल्कुल सही है, और जहां तक जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात है, वहां अगर देखिए तो जहां से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वहां से एक जियोपॉलिटिकल इश्यू उभर के सामने चला आता है जो कि हमें सरप्राइज कर देता है। ये नॉर्थ कोरिया और यूएस के स्टैंड ऑफ के पहले हमारा सारा ध्यान ब्रेग्जिट पे था, ग्रेग्जिट पे था। हम लोगों ने कभी भी नॉर्थ कोरिया और यूएस के स्टैंड ऑफ के बीच में ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंध इस तरह से खराब हो जाएंगे, और ये संभावित है कि जो अगला जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो शायद नॉर्थ कोरिया से ना आए, वो हो सकता है मिडिल ईस्ट रीजन से चला आए। तो इस तरह की जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो मेरे ख्याल से हमारे सामने बार बार आती रहेंगी, लेकिन इसका हमें अपने स्ट्रैटेजी पर किस तरह से इसको इंटरप्रेट करना है और किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, इसमें हमारे ख्याल से हमें दो चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। एक तो ये कि क्या ये जियोपॉलिटिकल रिस्क हमारे इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करेगी, एक तो वो, और दूसरा कि क्या ये जियोपॉलिटिकल रिस्क ऐसी होगी जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो डायरेक्शन है उसको बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीका से बदल देगा। अगर मान लीजिए कोई भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर इन दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालती है तो मेरे ख्याल से जो मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ा है उस डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। संजय, आपने जैसे पहले कहा इंटरेस्ट रेट्स पर, और क्योंकि अब कुछ जो विशेषज्ञ हैं, कुछ जो मेंबर्स ऑफ द कमिटी भी थे, आरबीआई के लास्ट मिनट्स में आया था कि ऑलरेडी अब रेट कट तो छोड़िए, रेट हाइक की बातें होने लग गई, और जिस तरह से आपने इसको समझाया, अगर ऐसा हो गया और ये ट्रेंड रिवर्स हो गया तो उसका काफी इंपैक्ट हो सकता है मार्केट पे। निसंदेह अगर इस तरह की अगर कोई डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ली गई तो श्योरली उसका बाजार पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इसको एक बैलेंस रूप में देखना चाहिए। भले इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट्स बढ़ाएगी, लेकिन आप देखें कि जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, वो थोड़े से लंबी अवधि के लिए है। इसी के लिए मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं आता है जिसके कारण इन्फ्लेशन पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़े तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जो डिसीजन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेगी। और जो दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि इस इन्फ्लेशन के ट्रेजेक्टरी को बढ़ा सकते थे, एक तो क्रूड के प्राइसेस और दूसरी हो सकती थी फूड इन्फ्लेशन। जहां तक फूड इन्फ्लेशन है, मानसून की जिस तरह की स्प्रेड रही, हमारे ख्याल से फूड के प्रति हमें थोड़ा सा आश्वासित रहना चाहिए कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। रही बात क्रूड की, तो जिस तरह का पेट्रोल और डीजल के प्राइस का डीरेगुलेशन का फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उठाया है, हमारे ख्याल से कुछ इंसुलेशन बना हुआ है। तो मुझे लगता है क्या होगा अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस खुदा ना खास्ते $70 पर बैरल पर चले गए, तो मुझे लगता है कि ये संभव है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुछ लॉसेस अब्सॉर्ब करने पड़े या उनकी जो प्रॉफिट्स है वो अफेक्ट होगी, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर मेरे ख्याल से म्यूटेड रहेगा। तो सारांश में अगर मैं कहूं तो मैं नहीं समझता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एनवायरमेंट में रेट बढ़ाने की डिसीजन जो है वो लेगा। बिल्कुल, लेकिन अब ये जो पूरा सेटअप हमने डिस्कस किया संजय, इसके इसी के लेंस से अगर हम देखें तो आपको मार्केट में अच्छा क्या लग रहा है इस समय? आपको कंजम्पशन के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एफएमसीजी अच्छा लग रहा है, या फिर रिलायंस जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? अच्छा क्या लग रहा है आपको इस समय? मेरे ख्याल से देखिए मिहिर, मार्केट ने मिड कैप को ज्यादा रिवॉर्ड किया है बजाय लार्ज कैप को पिछले 2-3 सालों में। मैं समझता हूं कि आगे में जो डिफरेंस रहा है मिड कैप और लार्ज कैप के परफॉर्मेंस में, वो जो डिफरेंस है वो पहले से कम हो जाएगी। लेकिन अगर निवेशक अभी भी बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो लार्ज कैप और मिड कैप के जो डिविजन है उसमें ना पड़े, वो अपना सेक्टोरल स्टैंड अगर चेंज करें तो उससे उनको ज्यादा फायदा होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि आगे के 12, 24 और 36 महीने जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ग्लोरियस पीरियड होंगे।
कुछ तो उसके जो मैं कहूंगा कि सिग्नल्स हैं वो हमें दिख रहे हैं. बड़ी कंपनी के जो रिजल्ट्स आए उसमें उनकी मार्जिन इम्प्रूवमेंट दिखी. भले एक बहुत बड़ी कंपनी ने कहा कि उनकी जो प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर बुक है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि उसको एग्जीक्यूट भी वो करेंगे तो उनका काफी बड़ा पाइपलाइन बना हुआ है. तो प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्डर बुक एंड द विजिबिलिटी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से सेक्टोरली इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अंदर जो 5-6 मुख्य सेक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ, हाउसिंग हुआ, कैपिटल गुड्स हुए, इवन जो रेस्ट ऑफ प्लांट्स की जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित हैं, इन सब सेक्टर्स में मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है आउटलुक. इसके बाद अगर मैं चुनाव करूंगा तो मैं कंजम्पशन का करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में कंजम्पशन की थीम को जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, इन दोनों चीजों से काफी फायदा हुआ है. भले पिछले तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ शायद बहुत अच्छा ना दिखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये शिफ्ट अनऑर्गेनाइज से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा उसका फायदा लिस्टेड स्टॉक्स को होगा. बिल्कुल. चलिए संजय, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और जल्द ही आपसे फिर से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. 9:50 हो चुके हैं, देख लेते हैं आज का सुपर शेयर कौन सा है. सुमित बताइए. शुक्रिया मेहर. आज मेटल स्पेस से एक कंपनी को चुना है, आर्कोटेक. ये कंपनी एलॉयज सप्लाई करती है, कॉपर में बेसिकली कंपनी का मेजर काम है. और उसके अलावा कंपनी रिसेंटली गुजरात में एक नया प्लांट लगाया फुल फ्लेज्ड, अपनी मेटल जो लाइन है उसको एक्सपैंड करने के लिए. गवर्नमेंट से इसको सिक्कों के लिए ऑर्डर मिलते हैं. कंपनी सिक्कों का जो एलॉयज है वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट की मिंटिंग के लिए. इसके अलावा डिफेंस के लिए भी कंपनी जो फोर्जिंग्स और बाकी एलॉय की जरूरत पड़ती है वो कंपनी सप्लाई भी करती रहती है वहां पर. तो वहां से भी कंपनी को ऑर्डर मिलते भी रहे हैं और आगे भी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. इसके अलावा एक चीज ये भी क्रूशियल है, कंपनी ने लगातार से की ग्रोथ दिखाई है, चाहे इसके पुराने प्रोडक्ट्स को लेकर नए प्रोडक्ट्स को लेकर हो. ये कंपनी काफी ज्यादा सराहनीय है, स्ट्रांग कंपनी के पास प्रोडक्ट प्रोफाइल है और साथ ही साथ कोई खास डेट भी नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस है, कैश साउंड है. करीब करीब 3-3.5 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस है. प्रमोटर 74-75% के आसपास का स्टेक ओन करते हैं और ये शेयर अभी बाजार की तेजी बहुत चला भी नहीं है. एक अच्छी वैल्यू के तौर पे भी देखा जा रहा है, 8.5 रुपए के आसपास की ईपीएस है और महज 6 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है. एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने मेंटेन भी रखा और डिविडेंड पे ऑफ भी किए हैं लगातार, अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे भी. बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल की एक रिपोर्ट है जिसे रेफर किया जा रहा है, उनका मानना है कि यहां से बहुत बड़ा पोटेंशियल अपसाइड इसमें खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा. दो टारगेट से पहले 120 रुपए के टारगेट भी दिए थे, लेकिन 90 रुपए के कंजर्वेटिव टारगेट्स के साथ हमें खरीदारी कर सकते हैं ऐसा उनका मानना है. और बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल की रिपोर्ट एक अच्छी वैल्यू बाय के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है. बिल्कुल. चलिए, तो एर्कोटेक एक काउंटर है जिस पर 90 रुपए के टारगेट के लिए आप नजर रख सकते हैं. फिलहाल करीब 4% ऊपर एर्कोटेक का काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए, लेकिन ट्रेड आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कुछ खास अभी तक तो नहीं हो रहा है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. थोड़ा टाइम इसे देते हैं, अभी भी 10,375 पर है. तो इसी के साथ फिलहाल फर्स्ट ट्रेड को हम यहीं खत्म करते हैं.